अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ माइन। आज की वीडियो बहुत छोटी सी, जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ व्हाट इन्फ्लेशन एंड व्हाट कोविड 19 हैज़ डन टू दिस वर्ल्ड। ये हम जी कार पार्क में मौजूद हैं, वाइट रोज सेंटर इन लीड्स। जो लोग यूके में रहते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बॉक्सिंग डे सेल्स जो 26 दिसंबर को होती हैं उसमें क्या सिचुएशन हुआ करती थी। ये यहीं पे खिड़की में अच्छी लग रही हैं, लाइट्स वो ये देखो बूट्स फुल ऑलमोस्ट 38 पाउंड से 22 के हुए हैं। ये जी H&M ऐसे सेल्स पे कोई ख़ास रश नहीं है इस दफ़ा। इन सेल्स से मुझे ये सबक मिला कि जब इन्फ्लेशन होती है तो बंदों की प्रायोरिटी, लोगों की प्रायोरिटी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ना कि लग्जरी आइटम्स। अब ये हर चीज़ 50% ऑफ थी, लेकिन ना बंदा ना बंदे की जात। और किन दुकानों पे रश था? प्राइमार्क जैसी दुकानों पे, क्योंकि वहाँ क्लियरली सब चीज़ें बहुत चीप थी। प्रिंसिपली भाई मैं तो इतनी महंगी चीज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, चाहे जितनी मर्जी ब्रांडेड चीज़ें हों इतनी एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए कि आम बंदे की रीच से बाहर हों। ये सोचना पड़ेगा इन ब्रांड्स को। नहीं, अब आप ख़ुद बताएं, पहले क्लार्क्स में फिर जूते मिल जाया करते थे, सेल पे कुछ ना कुछ मिल जाता था। इस दफ़ा बस बेकार से जूते सेल पे थे और बाकी हर अच्छा जूता बस अराउंड 100 पाउंड्स। किसने ख़रीदने हैं भाई। फिर जी हम पहुँच गए प्राइमार्क और सबसे ज़्यादा रश हमें मिला प्राइमार्क में, लेकिन वो भी पिछले सालों की नस्बत बहुत कम था। बहुत लिमिटेड लोग आए हुए थे, लेकिन फिर भी जितना रश बाकी जगहों पे था उससे कहीं ज़्यादा प्राइमार्क में था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सेल्स में थी भी, लोग ख़रीद भी रहे थे। और ज़ाहिर है सबको पता है कि प्राइमार्क वैसे ही बहुत चीप होता है, और जब वो 50% ऑफ था तो वो मज़ीद चीज़ें चीप थी और लोगों की अफोर्डेबिलिटी में आ रही थी। तो साबित ये हुआ कि बिज़नेस भाई वही सक्सेसफुल है जो लोगों की रेंज में है और जो सबसे ज़्यादा जो ना कंपेटिटिव और लो प्राइसेस ऑफ़र करेगा, बस वही चलेगा। बाकी जितनी अच्छी मर्जी क्वालिटी हो, लेकिन अगर प्राइसेस लोगों की रेंज से बाहर हैं तो लोग फिर इवेंचुअली उसका बायकॉट कर ही देते हैं। और भाई आजकल अगर कोई सूट केसेस का बिज़नेस करेगा तो वो बड़ा चलेगा, क्योंकि इनकी प्राइसेस तो आसमानों से बातें कर रही हैं। और इवन प्राइमार्क जैसी जगह पे भी बहुत एक्सपेंसिव हैं सूट केसेस, और पता नहीं लोग कैसे अफोर्ड करते हैं, मेरे ख्याल में पुराने ही चलाते होंगे। मेरा काम है जी आपको सस्ती सस्ती और अच्छी जगह दिखाना। देखें कितने लो प्राइस पे लगे हुए हैं बैग्स। और सबसे बेहतरीन जगह शॉपिंग के लिए प्राइमार्क है, और अगर इन दिनों में आप जाएंगे तो आपको ऐसे बार्गेन्स मिल रहे हैं ना। ये वाइट रोज लीड्स हैं यूके में, लेकिन इसके अलावा भी आप जिस मर्ज़ी प्राइमार्क में चले जाएँ बार्गेन डील्स आपको मिलने का बिल्कुल यही टाइम है। प्राइमार्क का एक ड्रॉबैक ये है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते प्राइमार्क की, और कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी मैं मेंशन करूँगी जहाँ पे आप ऑनलाइन बहुत अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, बड़ी बार्गेन शॉपिंग, जिसमें से एक का नाम ये है M&M, उस वेबसाइट का नाम है, डू गो एंड चेक। और अच्छा जी बूट्स एक अनदर स्टोर है जिसमें बहुत अच्छी ऑफर्स हमेशा होती हैं, इस दफ़ा भी थी, और मोस्ट ऑफ़ द गुड गिफ्ट पैक्स जो है ना वो आपको 50% ऑफ पे मिल जाते हैं। अच्छा, हमने खासा वक्त लगाया लेकिन उस हिसाब से हमें कोई इतनी बेहतरीन डील्स नहीं मिली। और आप अच्छी हैबिट, मैंने पिछली अपनी वीडियो में भी कहा था ये है कि आप लिस्ट बना के जाएँ, अदरवाइज़ यू विल ओवर शॉप। फ्रेगरेंस शॉप और परफ्यूम शॉप्स भी ऐसी शॉप्स हैं जिसपे हार्डली किसी अच्छे परफ्यूम पे कभी कुछ ऑफ होता है। ऑल दो स्टोर्स विद रियली गुड ऑफर्स आर मैटलन एंड एस्टर।